सो हेलो गाइस, ये है हमारा वन ब्लॉक सीरीज का पार्ट नंबर 2। और पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने बना लिया था पूरा का पूरा नेदरराइट, हमारा टूल सब कुछ कर लिया था, लेकिन चड्डी के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैं ग्राइंड कर लूंगा बाद में। लेकिन तुमने पिछले एपिसोड में ये देखा होगा कि मेरे सारे के सारे जानवर मर चुके थे वॉइड में जाके, या फिर मैंने उनको गलत से खुद ही मार दिया था। सो आज मैं बनाने वाला हूँ उन लोगों के लिए एक बढ़िया सा एक घर। तो गाइस, तुम लोगों को पता होगा कि पी में एक चीज़ को बनाने में बहुत टाइम लगता है, और इस वीडियो को बनाने में सही में बहुत टाइम लगा है। सीरियसली 2 घंटे लग गए हैं मेरे को एक घर बनाने में, और इस घर को बनाने में को काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ा, क्योंकि मेरे को इस घर को बनाना था एक प्रीमियम लुक। मतलब कि मुझे बनाना है इस घर की दीवारों को डायमंड और नेदरराइट गोल्ड, सारे के सारे ओर्स जितने मेरे पास है सबको लगा के एक बढ़िया सा घर बनाना है, एक बाम बनाना है। सो सबसे पहले तो मैं अपने चलता हूँ एक क्रिएटिव वर्ल्ड में, और जहाँ पे मैं इसको वर्ल्ड को इस बाम को बनाना एक स्ट्रक्चर सा बनाना शुरू करता हूँ, ताकि मैं अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में भी उस चीज़ को बना सकूँ। सो या चलते अपने क्रिएटिव वर्ल्ड में। लेट्स गो गाइस, आई एम इन द क्रिएटिव वर्ल्ड ऑफ माइंड। एंड सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्लॉक को छोड़ के 5 ब्लॉक्स छोड़ के तब मैं एक ब्लॉक लगाता हूँ, और इसको हम 5 ब्लॉक्स की हाइट देते हैं। सो या मेरे ख्याल से 5 ब्लॉक्स की हाइट ठीक रहेगी, 5, और दूसरे वाले को हम 5 ब्लॉक्स की हाइट देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, एंड तब इसको मैं पूरा का पूरा कवर कर दूंगा एक विंडो जैसे, समथिंग लाइक दिस। यप, और ये करके मेरे को पूरे के पूरे एक स्ट्रक्चर बनाना है। सो लेट्स गो, मैं तुम्हें ये करके मिलता हूँ। तो कैसे कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में। और अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बना दूँ एक स्टेयरकेस, ताकि मैं ऊपर वाले उसमें भी जा सकूँ। सो गाइस, अब मिलता हूँ मैं तुम्हें सीधे अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में, ताकि मैं तुम लोगों को और ज़्यादा परेशान ना करूँ, और सीधे तुम लोगों को चलता हूँ टाइम लैप्स की तरफ। Enjoy the time lapse. Okay guys, तो मैंने पहले जैसे स्ट्रक्चर तो बना दिया है, लेकिन अब बनाने वाला हूँ मैं सेकंड फ्लोर। इसका टाइम लैप्स सॉरी डिलीट हो चुका है मुझसे, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर अब बनाने वाला हूँ मैं सेकंड फ्लोर का टाइम लैप्स। सो या एंजॉय दैट टाइम लैप्स। गाइस, मैं अपने सामान इकट्ठा कर रहा था उसने अपने वाले टाइम लैप्स के लिए, लेकिन ये देखो हमें मिल चुका है एंड, लिटरली हमें एंड पोर्टल मिल चुका है यार, गजब है भाई, सबसे बढ़िया चीज़ हो चुकी है। मैं अब मतलब अभी सामान इकट्ठा शुरू ही कर रहा था यार, सामान इकट्ठा करना, और लिखा हुआ यू गेट द एंड, लिटरली मजा आ गया। चलते हैं और तुम लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। गाइस सॉरी, मैंने क्रिएटिव मोड यूज़ किया बिकॉज ऑफ शेडर्स, बिकॉज ऑफ सिनेमैटिक शॉट्स। मतलब यार सिनेमैटिक शॉट्स लेने के लिए मेरे को क्रिएटिव मोड यूज़ करना पड़ा, बाकी पूरा का पूरा घर सर्वाइवल में बना हुआ है। और साथ में वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो का लाइक है पूरे के पूरे 10 लाइक्स, आई होप तुम लोग करवा दोगे, अगर करवा दे तो बहुत बढ़िया, और थर्ड पार्ट जल्दी आएगा। आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गई इस वीडियो को आने में, बट कोई नहीं, थर्ड पार्ट जल्दी आएगा। बाय।